गे, लेस्बियन, अब उनके औलाद के हाथ से आए। एक जोड़ा जो है वो हम जिंस प्रस्त है, मर्द मर्द ने शादी की हुई है तो वो भी यही रास्ता अपना रहे हैं, औरत औरत ने शादी की हुई है तो वो भी तो यही रास्ता अपना रही है सरोगेट मदर का। तो बहुत ज्यादा ऐसा सिलसिला दुनिया के अंदर, आज दुनिया बड़ी अजीबोगरीब हो रही है, बुराई नुक्ता अरूज पर जा रही है, मसाइल नुक्ता अरूज पर जा रहे हैं, हर चीज इस वक्त नुक्ता अरूज पर जा रही है। और उसकी रीजन ये है कि मेरा और आपका आपका खुदा का बेटा यीशु मसीह दुनिया में दोबारा आ रहा है, ये उसके आने की निशानी है। वो दुनिया में वापिस आ रहा है, उसने फरमाया मेरे आने से पेशतर ये कुछ होगा, ये साइन ऑफ सेकंड कमिंग है, ये मसीह की आमद की निशानियां। So, आज जो सरोगेसी है या सरोग्रेट जो है या सरोग्रेट मदर जो है, इसको सरोग्रेसी को दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो समोया गया है। एक मैंने बताया था ट्रेडिशनल सरोग्रेसी, रवायती सरोग्रेसी या रवायती सरोग्रेट होना, और दूसरा जेस्टेशनल सरोग्रेसी और ट्रेडिशनल सरोग्रेसी, दो सरोग्रेट है या दो सरोग्रेसी है। आज आप बाइबल मुकद्दस में से पहली किस्म की सरोग्रेसी पे बात करेंगे और फिर दूसरी किस्म की सरोग्रेसी पे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, और फिर आप जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस का फतवा क्या है, क्योंकि बहुत से सवाल मेरे पास लोगों ने दिए हुए हैं और ये आज के नहीं है, ये कई दिनों से कई महीनों से लोग सवाल कर रहे हैं, मैं खामोश बैठा हूं, नहीं जवाब। चले आज हम बात करते हैं ट्रेडिशनल सरोग्रेसी, रवायती जो दुनिया के अंदर कायम है, दुनिया कर रही है। तो आओ बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, बाइबल मुकद्दस की तरफ चलते हैं। ये तो मैंने एक तारुफ किया, अब बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका तज़किरा किया। अब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर अदवार है, इस पर पहले मैं इससे पहले मैं आयते करीमा पढ़ूं, पहले मैं आपको समझा लूं इसका पस मंजर समझा लूं ताकि आप इसको समझ सके। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ अदवार है। देखिए, एक जमाना था खुदा ने नूह तक, आदम से लेकर नूह तक दुनिया को कायम किया, बेशुमार चीजें दुनिया के अंदर हुई, बुराई भलाई अच्छाई बेशुमार चीजें, लेकिन आपको वहां पर कोई शरीयत नजर नहीं आएगी। अगर शरीयत नजर आएगी तो जुबानी आएगी, जो अंबिया और मुर्सलीन के साथ खुदा ने जुबानी कलाम किया वो नूह के जमाने तक वो चलता रहा सीधा बसीधा, और उसके लिए कोई तहरीरी शरीयत मौजूद नहीं है। लेकिन जब मुकद्दस नूह के तूफान के बाद का जमाना चलता है, जिसको आप इब्राहिम का जमाना कहते हैं, तो इब्राहिम के जमाना में भी कोई तहरीरी शरीयत मौजूद नहीं थी, लेकिन उस जमाना के अंदर मुल्की आयन मौजूद थे, जो कंट्री का कानून था, जो मुल्क का कानून था, जो रियासत का कानून था, वो मौजूद था। और यही आयन जो था, यही तरीका का जो है, ये मुकद्दस आदम से लेकर मुकद्दस नूह तक था, कोई तहरीरी शरीयत नहीं थी। और जहां शरीयत नहीं है वहां पर गुनाह की पहचान क्या कर सकते, क्योंकि शरीयत ही तो गुनाह की पहचान करवाती है। तो जब शरीयत नहीं है तो गुनाह की पहचान कहां से है?